तो गाइज, क्या आपको पता है कि Xiaomi 29 मार्च को एक ऐसा फ़ोन लॉन्च करने जा रहा है जिसमें लगा होगा वर्ल्ड का पहला लिक्विड लेंस। इस लिक्विड लेंस की खासियत ये है कि ये हमारी आंखों की तरह काम करेगा। मतलब जैसे हमारी आंखें दूर वाली चीज़ों को और पास वाली चीज़ों को देखने के लिए ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करती हैं, इसी तरह ये लिक्विड लेंस भी काम करेगा। इस लिक्विड लेंस में हमें टेलीफोटो लेंस और मैक्रो लेंस का एक कॉम्बिनेशन एक ही लेंस में देखने को मिलेगा। इस लिक्विड लेंस में एक अलग टाइप का लिक्विड होगा जिसको एक फिल्म या ट्रांसपेरेंट चीज़ से रैप किया जाएगा। पहले ऐसा करने के लिए ऑप्टिकल लेंसेज का यूज़ किया जाता था। ये नया लिक्विड लेंस ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ और फोकस को एडजस्ट कर पाएगा। मतलब अब अलग अलग दो लेंसेज, टेलीफोटो और मैक्रो लेंसेज की जगह एक ही लेंस को यूज़ किया जाएगा। तो यार, ये एक मैजिकल इनोवेशन होगा मोबाइल फोटोग्राफी में। मैजिकल इसलिए कहूँगा क्योंकि ह्यूमन आइज की जो मैकेनिज्म है उसको कॉपी करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट Xiaomi इस चीज़ पे काम कर रहा है। तो यार, आपको बता दें कि 29 मार्च को Xiaomi Mi 11 Pro और Mi 11 Ultra को लॉन्च करने जा रहा है। इसी लॉन्च इवेंट में हमें Mi Mix 4 और Mi Mix Fold स्मार्टफोन भी देखने को मिलेंगे। साथ में Xiaomi की नई Mi Notebook Pro और नया Mi Air Purifier भी इस इवेंट में देखने को मिलेगा। Mi Mix 4 और Mi Mix Fold में हमें वर्ल्ड की पहली लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दें कि ये लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी नई नहीं है, बट ये अभी सामने क्यों आया, क्योंकि Xiaomi पहला ऐसा ब्रांड होगा जो इस टेक्नोलॉजी को मेन स्ट्रीम में लेके आने वाला है। करीबन एक साल पहले Huawei ने भी इसी टेक्नोलॉजी का एक पेटेंट रजिस्टर किया था, बट अभी तक Huawei की तरफ से कोई भी ऐसा फ़ोन हमें देखने को नहीं मिला जिसमें ये लेंस लगा हो। और कुछ र्यूमर्स तो ये भी हैं कि Samsung भी एक ऐसे डिवाइस पे काम कर रहा था जिसमें लिक्विड लेंस यूज़ किया जाना था, और ये डिवाइस 2015 में आना था, बट Samsung की तरफ से ऐसा कोई भी फ़ोन हमें देखने को नहीं मिला। तो यार, ये जो टेक्नोलॉजी है ये नई तो नहीं है, बट क्या Xiaomi इस लेंस का यूज़ करके कोई ज़बरदस्त डिवाइस लेके आ पाएगा? आप बताना नीचे कमेंट करके कि आप क्या सोचते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यार, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।